हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू शेयर साइन एंड सिम्टम डायग्नोसिस स्टेजेस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ किडनी डिजीजेस प्रॉब्लम्स एंड दैट ट्रीटमेंट। और जो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और शेयर करी है, जो कि मैंने सारी की सारी जो डिजीज़ कंडीशन अप्रॉक्स मतलब जो मैंने उसमें सभी डिजीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी उस वीडियो में, जो कि रिलेटेड टू किडनी थी। तो किडनी डिजीज़ जो थी और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लें। और उसी के आगे का ये सेकेंड वीडियो है जिसमें कि मैं ये सब बताने जा रही हूँ। और अगर आपको पेपर में आता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन के बारे में, तो आप वहाँ से एक डिजीज़ कंडीशन को पढ़िए, सबको समझिए, और उसके साथ आप इनको ऐड कर दीजिएगा, तो आपका पूरा एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे और उसके बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि उसमें इसी तरीके से इस चैनल में इसी तरीके की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसमें कि सारे नोट्स बच्चों को दिए जाते हैं, जो कि बच्चे जो हैं वो नोट्स बना लें और वीडियो के थ्रू उसको समझ लें। तो थोड़ा सा मैं आपको, अगर चाहें तो मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, तो मैंने इस तरीके से आपको सारी प्रॉब्लम्स दिखाई थी, ये देखिए। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो मैंने डिजीज़ कंडीशन बताई है, बहुत सारी हैं। अब मैं जल्दी से इस वाले में आ जाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, साइन एंड सिम्टम हम देखेंगे किडनी के। तो इसमें क्या होता है कि जो किडनी डिजीज़ में स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगनिंग जो स्टेजेज होती हैं उसकी, उसमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता पेशेंट को, ठीक है, और उसको ना कुछ फील होता है। और इसमें क्या होता है, एविडेंस इसके कब मिलते हैं, फाइनल स्टेजेज में इसके एविडेंस शो होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द किडनी डिजीजेज आर हियर, लाइक प्रेशर एंड पेन इन द चेस्ट। उसमें मतलब चेस्ट में उसको पेन होगा, प्रेशर होगा, पुअर स्लीपिंग होगी, मतलब सो नहीं पाएगा ठीक से, ब्रीदिंग ठीक से नहीं, ब्रीथ नहीं ले पाएगा ठीक से, ड्राई स्किन रहेगी और स्केली स्किन हो जाएगी। स्केली मतलब पपड़ी टाइप की, जो पपड़ीदार जिसे बोलते हैं ना, वो हो जाएंगा उसमें मार्क टाइप की, और ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नाइट, उसको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी नाइट में, और स्वेलिंग हो जाएगी अराउंड द आई, लॉस ऑफ एपिटाइज हो जाएगी, और उस मतलब भूख नहीं लगेगी उसको, और एंकल और फीट में भी स्वेलिंग हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे। तो मसल्स क्रैम्प तो मालूम ही है आपको, पेनफुल इनवॉलेंट्री जो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द मसल्स ना, जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब पेनफुल रहता है थोड़ा, उसी को बोलते हैं। और इनसफिशियंट स्लीप होगा, टायर्डनेस हो जाएगा विदाउट एनी वर्क, उसको फीलिंग रहेगा मतलब कि टायर्डनेस हो रही है, थकान सी लगेगी, पुअर कंसंट्रेशन होगा। अगर यही कंडीशन जो होती, तो ये तो स्टार्टिंग में था, अब अगर ये सीवियर में चेंज हो जाती है तो इसमें और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिन आउटपुट में उसको चेंजेस मिलेंगे, मतलब कि वो जितना इनटेक कर रहा उतना उसका आउटपुट नहीं होगा, या तो वो ज़्यादा होगा या तो वो कम होगा, मतलब नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो सकता है। डिक्रीज सेक्स ड्राइव होगी और हाइक इन पोटेशियम लेवल होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मीन एक्सेसिस, जो ये एलिवेटेड जो ब्लड लेवल होता है पोटेशियम का ब्लड में, उसी को बोलते हैं एलिवेटेड लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इज कॉल्ड कैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। ओके, तो इसमें ये हो जाएगा, और एनीमिया हो जाएगा, यानी कि HB लेवल जो होगा उसका कम हो जाएगा, फ्लूड का रिटेंशन हो जाएगा। जो फ्लूड का रिटेंशन होता है वो होता है एक्सेस फ्लूड बिल्डअप इन साइड द बॉडी, ओके, ऑल्सो नोन एडिमा एंड वाटर रिटेंशन। अगर एडिमा बोल रहे हैं या वाटर रिटेंशन बोल रहे हैं, वो भी फ्लूड रिटेंशन ही है, एक ही चीज़ है, ठीक है। वॉमिटिंग हो जाएगा, नौजिया होगा, इसमें वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, और कभी कभी वॉमिटिंग हो भी जाएगी, ठीक है। एंड स्वेलिंग होगा उसमें, किसमें, ये जो पेरिटोनियम होती है हार्ट की, उसमें जो होता है स्वेलिंग होगा, ठीक है। और ये जो होती है, अगर हम किडनी को हेल्दी रखने की बात करें, तो किडनी को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, मेंटेन करके अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट लेके कर सकते हैं, और स्ट्रेस फ्री लाइफ को अडॉप्ट करके कर सकते हैं, जिससे कि किडनी का जो फंक्शन होता है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो कुछ टिप्स यहाँ पे हैं, जैसे कि अवॉइड फूड जो होता है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, वो नहीं लेना चाहिए, और जो ब्लड शुगर है अपने ब्लड में उसका जो लेवल होता है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर वो पेशेंट डायबिटीज़ हैं तो उनका जो अपना शुगर का लेवल को बिल्कुल अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, किससे, मेडिकेशन के थ्रू और डॉक्टर के एडवाइज
उसको लेती रहनी चाहिए, ठीक है। और रिड्यूस इनटेक ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट भी कम लेना चाहिए, ठीक है, उसका इनटेक कम करना चाहिए। और जो ये जो बैलेंस डाइट है, जैसे मैंने बताया आपको, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि फ्रेश फ्रूट्स हों एंड वेजिटेबल्स हों, लो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, ऑल होल ग्रेन्स लेने चाहिए। और जो ये जो होती है स्मोकिंग नहीं करवानी चाहिए, जो भी करते हैं उनको छोड़ देनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। और जो अगर ओवरवेट हैं तो वो अपना ओबेसिटी को कम करें, यानी कि उनको ये एडवाइस देनी चाहिए कि वो अपनी ओबेसिटी कम करें और ओवर ड्रिंक भी नहीं करें। और जो अगर कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का तो वो अंडर कंट्रोल करें, ठीक है। वैसे तो उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अंडर कंट्रोल करें। फिर है जी एफ आर मीन होता है इसका, हम अब डायग्नोसिस में पहुंच गए, ठीक है। तो जो डायग्नोसिस होती है किडनी की, इसमें GFR देख लेते हैं सबसे पहले। तो GFR जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको, ये होता है एक टेस्ट होता है जिसमें कि मॉनिटर किया जाता है फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द किडनी को, ठीक है। इसमें जो होती है किडनी, जिससे कि किडनी की जो फंक्शन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि किडनी किस स्टेज में पहुंची है, उसकी डिजीज कंडीशन किस स्टेज तक पहुंची है। स्टेजेस भी मैंने इसी में स्लाइड में दी है लास्ट में, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन एनालिसिस में क्या करेंगे कि यूरिन का सैंपल रख के उसको ऑब्जर्व करना है, और उसको अंडर माइक्रोस्कोपी टेस्ट के लिए कहाँ भेज देना है, लैब में उसको सेंड कर देंगे, जिससे कि उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ब्रीडिंग है या उसको क्या प्रॉब्लम है, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है किडनी अल्ट्रासाउंड। ये पहले तो हमने देखा था ग्लोम एफ जी एफ आर और यूरिन एनालिसिस, अब है किडनी अल्ट्रासाउंड। तो किडनी अल्ट्रासाउंड में जो होता है अल्ट्रासाउंड, ये जो होता है किडनी का, ये एक क्लियर इमेजेस देगा किडनी की विद द हेल्प ऑफ प्रोब, जो कि जो एक प्रोब होता है जिसको कि प्लेस किया जाता है स्किन पे, ऑन द स्किन, एंड उसमें क्रिएट की जाती है इमेजेस, जो जिस भी पार्ट का लेना है उसमें उसको साउंड वेव्स को उसके हेल्प से वहाँ की किडनी की इमेजेस ली जाएंगी, अगर हम किडनी की बात करें तो उस इमेजेस से क्लियर हो जाएगा कि वो इमेजेस शो करेंगे किडनी कितनी डैमेज हो चुकी है, कितनी ब्लॉक हो चुका है, उसमें यूरिन है, अगर उसमें ब्लॉकेज है तो यूरिन उसमें होगा, और उसमें अगर स्टोन है तो स्टोन भी उसमें शो हो जाएंगे पिक्चर में, और सिस्ट भी अगर बनी है तो सिस्ट भी शो होगी। इससे पहले मैंने आपको डिजीज कंडीशन में पॉलीसिस्टिक किडनी भी बताया था। फिर है कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन। इसमें क्या करेंगे कि पेशेंट का जो होता है, इसके हेल्प से जो होता है टू टेक सेक्शन पिक्चर ली जाती है ऑर्गन की, और थ्रू दी एक्सरे विच गिव आउट क्लियर डिटेल देती है हमें उस भी पार्ट के, ये क्लियर पिक्चर है वो उसकी क्या प्रॉब्लम है। अगर हम किडनी की बात करें तो ये किडनी के डिटेल हमें पहुंचाएगी कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसकी पिक्चर से हमें ये हेल्प मिलेगी। फिर हो गया किडनी बायोप्सी। तो किडनी बायोप्सी में क्या किया जाता है कि स्मॉल पीस लिया जाता है टिश्यू का, किडनी टिश्यू का, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पीस ऑफ टिश्यू, और उसको क्या किया जाता है सेंड किया जाता है लैब में, ताकि उसमें देखा जाए कि वो क्या उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। दो दिस सैंपल ऑप्टेन एंड फर्दर स्टडीज अंडर द माइक्रोस्कोपी, उसको अंडर माइक्रोस्कोपी टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें क्या प्रोसीजर। ये प्रोसीजर स्टराइल होता है और ये OT में किया जाएगा, और इसमें क्या होता है कि सीवियरिटी ऑफ इशू जो भी किडनी की वो पता चल जाएगी, और इसमें क्या किया जाएगा कि पेशेंट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में इसको नहीं कर सकते, उसको सडेशन दिया जाएगा विद लोकल एनेस्थीजिया, जो जिस पार्ट का हमें काम करना उस पार्ट को क्या किया जाता है लोकलाइज कर दिया जाता है, लोकली एनेस्थीजिया उसमें अप्लाई किया जाएगा ताकि उसको सेंसेशन लॉस हो जाए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हो गया ये MRI में क्या होता है कि हाई रिसोल्यूशन इमेजेस होती है किडनी की, उसमें वो किडनी की जो इमेज होती है वो कैप्चर हो जाएंगे थ्रू दी स्कैनर विथ एमिट रेडियो वेव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है रेडियो वेव्स के थ्रू जो होती है वो हमें इसमें स्कैनर के रेडियो इमेजेस के थ्रू हेल्प से और स्कैनर के थ्रू जो होती है बड़ी इमेजेस क्लियर इसमें कैप्चर हो जाएंगी। और ये जो दिस हेल्प टू डॉक्टर टू डायग्नोज, ये हेल्प जो होता है डॉक्टर को करेगा डायग्नोज करने के लिए, और ताकि उसको प्रॉब्लम क्लियर पता चल जाए कि प्रॉब्लम है क्या। अब उसके बाद हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, नेक्स्ट हो गया ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट। अब इसमें ब्लड क्रिएटिनिन लिखा है तो ब्लड टेस्ट में जो होता है क्रिएटिनिन को देखना है, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि लेवल ऑफ क्रिएटिनिन कितना है ब्लड में। क्रिएटिनिन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको कराना ज़रूरी होता है। क्रिएटिनिन का लेवल जो ये होता है वो बड़ा होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ द किडनी इन द ब्लड, जो कि इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, और वो अगर ब्लड में इंक्रीज है तो वो है
क्या हमें हेल्प कर रहा है डायग्नोज करने में, कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सीवियरिटी ऑफ किडनी डिजीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो किडनी डिजीज़ है उसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक होगा। एंटीबायोटिक जो डॉक्टर्स देंगे वो कैसे देंगे, डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द ये ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये इसके बेसिस पे, ब्लड के और यूरिन टेस्ट के बेसिस पे उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। और इसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो फाइट करे अगेंस्ट द बैक्टीरिया, और इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट ही देख रहे हैं कंटिन्यू, तो इसमें हम देखेंगे नेफ्रोस्टोमी। तो नेफ्रोस्टोमी में क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि क्या किया जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है यूरिन को, जो कि क्या हुआ ब्लॉक्ड है किडनी में, ठीक है। जो यूरिन पास नहीं हो पा रहा अभी वो किडनी में ही है, तो उसको ड्रेन आउट किया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा कि क्लियर करने के लिए, उस ब्लॉकेज को क्लियर भी किया जाता है। रेलिवेंट ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू क्लियर द ब्लॉकेज, एंड दिस प्रोसीजर इज डन बाय पासिस द कैस जो पासिंग की जाती है, कैथेटर को पास किया जाता है इस प्रोसीजर में किडनी तक का, अंडर द ये मतलब थ्रू दी स्किन, और उसको किडनी तक पहुँचाया जाता है कैथेटर को, और वहाँ से जो भी यूरिन है उसको ड्रेन आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है, ये इससे क्या होगा, जो किडनी होती है उसमें से ड्रेन आउट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, किडनी का जो ब्लॉकेज है वो भी क्लियर हो जाता है इससे, ठीक है। और फिर हो गया लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि ये प्रोसीजर जो होता है एक मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये डन बाय द मशीन टू प्रोजेक्ट अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स। इसमें क्या किया जाता है, प्रोड्यूस ये जो प्रोजेक्ट होता है इसमें अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स जो होती है वो पास की जाती है थ्रू दी बॉडी, और उसमें क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है जो लार्ज किडनी स्टोन होते हैं उसको ब्रेक किया जाता है स्मॉल पीसीज में, ठीक है, इंटू द स्मॉल पीसीज में। और फिर वो स्मॉल पीसीज जो होते हैं कैन ईजिली पास थ्रू दी यूरिन लेटर। अब उसके बाद जब वो छोटे टुकड़ों में कट जाएंगे तो उसको पेशेंट को क्या किया जाएगा, फ्लशिंग की जाती है उनकी, उनको काफ़ी फ्लूड प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनका जो यूरिन का जो वो है, जो टुकड़े हुए हैं सॉरी जो स्टोन का क्रश हुआ है वो बाहर आ जाए, ठीक है, यूरिन के थ्रू। उसमें उसके बाद होता है नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी जो होता है जो सर्जिकल परफॉर्म किया जाता है पेशेंट के साथ, इसमें जो होता है जो पेशेंट की कैंसर हो रहा है, यानी कि किडनी का कैंसर है या अदर सीवियर किडनी प्रॉब्लम्स है या फिर उनकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो उसको रिमूव किया जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, बिल्कुल से उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग दिस सर्जिकल। तो इस सर्जिकल प्रोसेस को बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी, ठीक है। नेफ्रेक्टोमी का मतलब हो गया कि रिमूवल ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद हो गया डायलिसिस, इसमें बोथ किडनी हो रही है, ठीक है, यानी कि इसमें सॉरी दिस कंडीशन ट्रांसफॉर्म, ये जो होती है कोई एक किडनी में भी होगा तो ये जो कैंसर है वो अदर प्लेसेस में ना स्प्रेड हो, इसलिए इसको रिमूव किया जाएगा किसी एक में अगर ये है तो, ठीक है, तब ये नेफ्रेक्टमी की जाएगी। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस सॉरी अब इसका नया नेक्स्ट ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, ये जो होता है एक प्यूरीफाई मतलब एक डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, प्यूरीफाई करता है, किसके हेल्प से, मशीन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायलिसर हमारा जो ब्लड होगा वो प्यूरीफाई किया जाएगा, और वो मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी समझ लीजिए इस प्रोसीजर को, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज डन व्हेन द किडनी आर क्लोज टू फेलिंग और डैमेज कम्प्लीटली, जब इसमें किडनी जो होती है बिल्कुल से फेल हो जाती काम करने से और डैमेज हो जाती कम्प्लीटली, तभी इस प्रोसीजर को किया जाता है, ठीक है। जब वो बिल्कुल से नहीं करती तब आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसको आर्टिफिशियल किडनी समझ लीजिए डायलिसर को, वो उसके थ्रू उसका जो ब्लड होता है उसको पास किया मतलब प्योर किया जाता है बॉडी का। और इसमें क्या जाता है, रिपीटेड प्रोसीजर होता है इसमें, एक ये डन बाय द वंस इन अ फ्यू डेज और वीक, ये कुछ दिनों में और कुछ वीक में ये किया जाता है स्टार्टिंग में। दिस प्रोसेस इज डन अनटिल फाइंड अ डॉक्टर, ये सॉरी डोनर, ठीक है, और देयर आर टू टाइप ऑफ किडनी। ये तब तक किया जाएगा जब तक कि कोई डोनर उसको नहीं मिल जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट अगर कहा है जब तक कोई डोनर नहीं मिलता है तब तक ये प्रोसीजर को करते रहेंगे। और ये दो टाइप से हम कर सकते हैं, एक तो हो गया हीमोडायलिसिस, दूसरा हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड जो होता है बॉडी से पंप किया जाता है मशीन के थ्रू, मशीन में पंप किया जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है, और ये हेल्प करता है किसको, एक्सट्रैक्टिंग ऑल इम्प्योरिटीज़ और पासिस द प्योर ब्लड बैक इन टू द हमारे जो बॉडी में वो जो प्योर ब्लड है उसको पास कर देता है। मीन जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में डायलिसर दिखाया था उसमें दिखाया था कि जो लीड होती हैं वो पेशेंट
सर्कुलेशन के जो शंट बना होता है हैंड में, मतलब शंट का मतलब जो आर्टरी और वेन का जो दोनों का वे बना होता है, उसमें उसका जो वीगो उसमें इंसर्ट करके, और जो भी उसकी लीड होती है डायलिसिस की, उसको उसमें इंसर्ट किया जाता है, अटैच किया जाता है, और उसके हेल्प से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो डायलिसिस में जाता है, वहाँ से प्योरीफाई होके फिर वो किडनी में वापस से पहुंचा, मतलब हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ये प्रोसीजर जो होता है होम में या हॉस्पिटल में, जहाँ भी कन्वीनियंस हो पेशेंट की वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है रिपीटेड प्रोसीजर होता है, थ्राइस अ वीक, 3 हफ्ते में 3 बार इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अंडर डॉक्टर सुपरविजन, और डॉक्टर्स, और इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी होते हैं डायलिसिस में, जिसमें कि होगी क्रैम्पिंग हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया और इचिंग हो गया। फिर है पेरिटोनियल डायलिसिस। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जिस कंडीशन, जो प्रोसीजर होता है कंडक्टेड बाय पासिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड कॉल्ड डायलिसिट, ठीक है। ये जो डायलिसिट होता है, ये फ्लूड होता है जो कि डायलिसिस का फ्लूड होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस का, उसको उस फ्लूड को डायलिसिट बोलते हैं। डेड डायलिसिट होता है, इसको एब्डोमन में जो होता है थ्रू द कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, मतलब पहुँचाया जाता है, और ये जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट के, मतलब पास फ्रॉम द किडनी थ्रू द पेरिटोनियम। तो उसमें क्या होता है, जो किडनी होती है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे पेरिटोनियम कैविटी में पास करती है, जो कि एक पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है। तो वहाँ तक का जब इम्प्योरिटीज़ पहुँचती है तो फ्लूड इन द एब्डोमन, तो जो फ्लूड होता है उसको एब्डोमन में पहुँचाया जाता है। तो ये क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको फिर, ये जो वंस द फ्लूड कलेक्ट ऑल द वेस्ट, और ये जो फ्लूड होता है सारे वेस्ट को कलेक्ट कर लेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं बाद में एक्सक्रेट आउट कर देते हैं एब्डोमन से और डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। यानी कि वो जो फ्लूड इंसर्ट किया था, फिर उसको बाहर, उसमें जब इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं किडनी से, तो उसको क्या किया जाता है, फिर बाहर को उसको आउट कर दिया जाता है कैथेटर के थ्रू, ठीक है, ड्रेन आउट किया जाता है। फिर उसके बाद हो गया किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये प्रोसीजर जो होता है जब बोथ किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है, अपना काम बिल्कुल प्रॉपरली स्टॉप कर देती है, तब ये वाला प्रोसीजर करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन किया जाता है। इस ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो अपना काम नॉर्मली करने लगता है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल वो अपना स्पेंड करने लगता है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में, मतलब इसमें जो हेल्दी किडनी होती, चाहे वो लिविंग पर्सन की हो चाहे वो डेड पर्सन की हो, जो उसकी भी हो, मतलब कोई जो भी हो हेल्दी हो, वो उससे ऑप्टेन करके, मतलब जो डोनर से उस ऑर्गन को यानी कि किडनी को पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेजेज एंड प्रोग्नोसिस। तो हम देखेंगे स्टेजेस, देखें तो किडनी की 5 स्टेजेज होती हैं, देर आर 5 स्टेजेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की 5 स्टेजेज होती हैं, द सिम्टम एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज गेट कॉम्प्लिकेटेड एट द लेटर। जैसे जैसे स्टेजेज जो होती हैं लेट पहुंचती जाती हैं, लेट स्टेजेस में किडनी की कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे ये जो स्टेजेज होती हैं इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो ये 5 स्टेजेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो होती है कोई सीवियर कंडीशन नहीं होती है, ना ही कोई सिम्टम विजिबल होते हैं, और रिकवरी रेट जो होता है इसका, ये जो रिकवरी फ्रॉम डैमेज इज़ वेरी इजीली, यानी कि इजीली रिकवर हो सकता है, नहीं डैमेज होगा, इजीली रिकवर हो जाएगा, और अच्छे से फिर से वापस से हेल्दी लाइफ स्टाइल इसमें आ जाए, अगर हमने लाइफ स्टाइल हेल्दी फॉलो की है तो इसमें जल्दी से ये चेंज हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। जो सेकंड वाली कंडीशन है इसमें क्या होता है, स्टिल माइल्ड विथ वेरी लिटिल और नो सिम्टम शोन। इसमें कोई सिम्टम शो नहीं होते हैं, वेरी लिटिल होता है इसमें अगर है भी तो, और इसमें भी माइल्ड सीवियर होता है, माइल्ड होता है ये भी, जरा सा माइल्ड होगा, लिटिल माइल्ड होगा, और सिम्टम भी इसमें बहुत कम होंगे। विच कंडीशन मोस्टली जो होता है डायग्नोज ड्यूरिंग यूरिन टेस्ट, अगर इसका यूरिन टेस्ट कराएंगे तभी ये सिम्टम, मतलब इसमें भी सिम्टम शो नहीं होते हैं, सेकेंड वाली में भी शो नहीं होते हैं, और ये भी बहुत ही लिटिल और माइल्ड होता है प्रॉब्लम, और इसमें भी जो होते हैं यूरिन टेस्ट कराएंगे तभी ये पता चल पाता है कि ये कोई, इसमें अगर यूरिन में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ अब ये कोई प्रॉब्लम तो किडनी में है। तो ये डिजीज़ को क्योरेबल बाय द ब्रिंकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, इसको भी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, और डॉक्टर के हेल्प से मेडिकेशन भी ले सकते हैं। और जो
थर्ड स्टेज है। इस स्टेज में 50% जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है और एविडेंस भी शो होने लगते हैं। दिस कंडीशन कैन ट्रीटेड बाय द मेडिकेशन टू स्टॉप फर्दर डैमेज एंड पर्सन विल बी एडवाइज टू ब्रिंग इन सम हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंजेस। और इस कंडीशन में क्या किया जाता है, मेडिकेशन को जो फर्दर मतलब मेडिकेशन ली जाती है ताकि फर्दर डैमेज ना हो किडनी का, दोबारा से डैमेज ना हो, और उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल की एडवाइस दी जाती है, ठीक है। और ये जो होती है स्टेज फोर वाली जो स्टेज होती है किडनी की, इसमें क्या होता है कि किडनी फेल हो जाती है सीवियरली और बट जो ये जो होती है हैजंट स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली, लेकिन अपने जो काम होते हैं बिल्कुल से कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करती है, फेल हो जाती है लेकिन कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करती है अपने काम। इस कंडीशन में ज़रूरत होती है इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट ज़रूर से उसको ले लेना चाहिए जिससे कि वो स्लो डाउन हो जाएगा डैमेज होना, जो किडनी डैमेज होने लगी है वो अब कम हो जाएगा, ठीक है डैमेज। तो ये कंडीशन जो होती है डिफ़िकल्ट होती है रिकवर होना, लेकिन ये इस स्टेज में आकर इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और जो पाँचवीं स्टेज होती है किडनी की वो क्लोज होती है कम्प्लीटली फेलियर, जो किडनी आर क्लोज टू कम्प्लीट फेलियर, ये कम्प्लीट फेल होने से क्लोज होती है, दे स्टॉप वर्किंग एंटायरली, ये सारा काम जो होता है इसमें बिल्कुल बंद हो जाता है, किडनी अपना सारा फंक्शन बंद कर देती है, इस नहीं कर पाती है। और ये इसके सर्वाइव करने के लिए पर्सन को क्या करना पड़ता है इस स्टेज में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको, डिफ़िकल्ट होती है सर्वाइव होने के लिए, तो उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा पेशेंट को। अगर पेशेंट को हेल्दी किडनी मिल जाती है जो कि उसके ग्रुप से मैच हो रही है तो फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट कर ले तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। पेशेंट एट दिस स्टेज अंडरगोइंग डायलिसिस रेगुलरली टू सर्वाइव, और जब तक कि ये नहीं हो रहा है तब तक पेशेंट को जो है रेगुलर सर्वाइव करने के लिए डायलिसिस करना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो आप छोटा छोटा करके देखिएगा, लेकिन आपको सारे नोट्स दो वीडियो में सारा यूरिनरी सिस्टम जो है एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। नए व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना तो कोई भी ना भूले। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।